मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सिंपल और आसान मसाला भिंडी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो आप इसे एक बार बना करके ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ट्राई करने के बाद मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर रेसिपी को मैं शुरू करती हूँ। यहाँ पर मैं आधा किलो यानी 500 ग्राम भिंडी ली हूँ। इसको मैं 4 से 5 पानी में अच्छे से धो ली हूँ और कॉटन के कपड़े से इसे पोंछ करके लंबे में इस तरह से मैं कट कर ली हूँ। आप भी इसी तरह से कट कर लीजिए तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और देखने में भी अच्छा लगता है। और एक प्याज ली हूँ, प्याज को मैं इस तरह से लंबे में कट कर ली हूँ। और हरी मिर्ची ली हूँ, हरी मिर्ची को भी कट कर ली हूँ लंबे में। और एक आलू ली हूँ, इसे भी मैं धो करके अच्छे से क्लीन करके कट कर ली हूँ लंबे में। और यहाँ पर मैं 5 लहसुन और कुछ अदरक के टुकड़े ली हूँ और इसे मैं कूट लूँगी। पैन को मैं यहाँ पे गरम कर ली हूँ। इसमें डाली हूँ 2 बड़ा चम्मच तेल और 1 चम्मच जीरा। जीरा जैसे ही अच्छे से लाल हो जाए, फिर कुटा हुआ, इसमें मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल करके भिंडी की सब्ज़ी आप ज़रूर बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। बस उसे 1 मिनट के लिए भून लेना है, या फिर तब तक भून लेना है जब तक इसका कच्चापन अच्छे से निकल नहीं जाए, या फिर सुनहरा होने तक इसे भून लेना है। जैसे ये सुनहरा हो जाए फिर इसमें डाल देना है हरी मिर्ची और प्याज, डाल करके इसे मिक्स कर लेना है। और साथ में ही डाल देना है आलू को। आलू आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं आलू को। और इसे कुछ मिनट के लिए भून लेना है आलू और कांदा को, हल्का सा इसे नरम कर लेना है। अभी ये नरम हो चुका है, अब इसमें डाल देना है भिंडी को। तो मैं पहले थोड़ा सा भिंडी डाल करके मिक्स कर लेती हूँ, इसे अच्छे चला लेती हूँ। अभी सभी भिंडी को डाल करके अच्छे से मैं चला लेती हूँ। इसे चला करके 2 मिनट के लिए ढक दें स्लो आंच पे। 2 मिनट अभी हो चुका है, अभी मैं इसे खोल करके चला लेती हूँ। भिंडी को ज़्यादा नहीं ढक कर के पकाना है, अगर आप ज़्यादा ढक कर के पकाएंगे तो ये चिकट हो जाएगा। बस इसे स्टार्टिंग में ही कुछ समय के लिए ढक कर के पका लेना है। अब भिंडी को इसी तरह स्लो आंच पे पकने देंगे और बीच बीच में चलाते रहें ताकि भिंडी जले नहीं। भिंडी काफ़ी नरम हो चुका है, अब इसमें मसाला डाल देना है। तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच नमक या फिर स्वाद के अनुसार नमक। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसे स्लो आंच पे इसी तरह से पका लें बीच बीच में चलाते हुए। अगर आपका भिंडी चिकट हो रहा है या फिर आपको भिंडी को ट्राई करना है तो आप इसमें 1.5 चम्मच आटा डाल दें, गेहूं का आटा। गेहूं का आटा डालने से भिंडी ड्राई हो जाता है, सूखा सूखा हो जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो अभी आटा डाल करके मिक्स कर लेना है। आटा को मैं यहाँ पे कच्चा ही डाली हूँ, आटा मैं भून करके नहीं डाली हूँ। और भिंडी में ये पक जाएगा आटा, बिल्कुल भी कच्चापन नहीं आएगा आटे का। इस तरह से अगर आप आटा डाल करके बनाएंगे तो जो भिंडी है खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और भिंडी ड्राई भी हो जाता है, दोनों काम हो जाता है। तो अभी भिंडी पक चुका है, भिंडी को स्लो पे ही पकाना है, बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है। अब इसमें डाल देना है 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं आधा। अमचूर पाउडर डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। भिंडी बनकर के रेडी हो चुका है, अभी गैस को कर देना है बंद। तो लीजिए, मसाला भिंडी बनकर के रेडी हो चुका है। तो आप भी इसी तरह से एक बार बना करके ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके अंदर जो अदरक और लहसुन कूट करके डाला हुआ है उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है ये, तो आप इसे एक बार बना करके ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा।